नमस्कार दोस्तों, द लीगल इंडियन के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या LLB की डिग्री लॉ की डिग्री डिस्टेंस लर्निंग मोड से ऑब्टेन की जा सकती है क्या। क्या आप डिस्टेंस लर्निंग मोड से लॉ कर सकते हैं क्या, LLB कर सकते हैं क्या, पहला क्वेश्चन तो यह है। दूसरा क्वेश्चन यह है कि यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो क्या इस तरीके से प्राप्त की गई LLB की डिग्री बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। और तीसरा क्वेश्चन यह है कि क्या हम डिस्टेंस लर्निंग मोड से LLM जो मास्टर्स की डिग्री होती है लॉ में, LLM की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं क्या। ये क्वेश्चन अमर कुमार जो मुंबई से हैं, मुंबई में एक सोशल वर्कर हैं, इन्होंने ये सवाल पूछा है। तो अमर जी, आपके लिए ये वीडियो है, आप जरूर इसे देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि लॉ एक प्रोफेशनल डिग्री है और इसीलिए यूजुअली लॉ की डिग्री LLB की डिग्री डिस्टेंस लर्निंग मोड से नहीं दी जाती है। कोई भी यूनिवर्सिटी लॉ की डिग्री डिस्टेंस लर्निंग मोड में ऑफर नहीं करती है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे कॉलेजेस मैंने देखा है, शायद वो साउथ इंडिया में हैं, जो कि डिग्री तो ऑफर करते हैं डिस्टेंस लर्निंग मोड से, लेकिन दैट डिग्री इज नॉट रिकॉग्नाइज बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जब तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज नहीं होगा वो डिग्री, तब तक फिर उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता। तो टेक्निकली स्पीकिंग, यदि आपका ये प्रश्न रहे कि कैन आई परस्यू LLB थ्रू डिस्टेंस लर्निंग मोड, तो यूजुअली तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन शायद कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी आपको मिल जाए, कुछ ऐसे कॉलेजेस आपको मिल जाए जहां पे आप डिस्टेंस लर्निंग मोड से भी आप प्राप्त कर सकते हैं लॉ की डिग्री। लेकिन फिर अगला सवाल जो है कि इज इट रिकॉग्नाइज बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, आंसर इज अ बिग नो। यदि आप डिस्टेंस लर्निंग मोड से डिग्री ले भी लेते हैं लॉ की, फिर भी ये डिग्री बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज नहीं है। और इसलिए यदि नहीं है तो आखिर आप क्या क्या आपको नुकसान होगा, तो चलिए हम नुकसान को समझते हैं। यदि आपकी डिग्री बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज नहीं है, इसका ये मतलब हुआ कि यू कैनॉट इनरोल योरसेल्फ एज एन एडवोकेट, आप एडवोकेट नहीं बन सकते हैं, इनरोलमेंट नहीं होगा आपका बार काउंसिल में। और दूसरा कि यदि आप एज एन एडवोकेट इनरोल नहीं है, इट मीन्स यू कैनॉट प्रैक्टिस लॉ इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। तीसरी बात यह आती है कि यदि आपका डिग्री रिकॉग्नाइज नहीं है बार काउंसिल से, तो ऑब्वियसली बात है यू कैनॉट अपीयर फॉर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन एज वेल। जो भी सुविधा एक एडवोकेट को दिया जाता है, वो सुविधा आपको नहीं मिलेगा। तो हाँ, यदि आप लॉ की डिग्री नॉलेज के लिए करना चाहें, तो शायद इस तरीके के यूनिवर्सिटी में जहां से डिस्टेंस लर्निंग का मोड अवेलेबल है, आप वहां से कर तो सकते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल कोई यूज नहीं रह जाएगा एक्सेप्ट योर नॉलेज, ठीक है। एक तो ये बात हो गया। और दूसरा जो क्वेश्चन ये है कि क्या LLM की डिग्री हम डिस्टेंस लर्निंग मोड में करते हैं क्या, और क्या यह रिकॉग्नाइज है। जी हाँ, LLM की डिग्री जो है ये एक प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, ठीक है। तो LLM की डिग्री डिस्टेंस लर्निंग मोड में की जाती है। जैसे कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी है, यहाँ से चाहें तो आप LLM की डिग्री डिस्टेंस लर्निंग मोड में कर सकते हैं और ये रिकॉग्नाइज भी है। चूंकि ये प्रोफेशनल डिग्री नहीं है और एकेडमिक्स में इसका यूज होता है, तो आप इसको कर सकते हैं नॉलेज के लिए भी, अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए भी ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि यू कैन परस्यू रेगुलर LLB कोर्स, किसी भी रेगुलर कोर्स में आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो है, यदि आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो 3 साल की ये डिग्री होती है। यदि आप 12वीं के बाद जस्ट करना चाहते हैं, 12th के बाद जस्ट करना चाहते हैं, तो ये 5 साल की डिग्री होती है। तो अपने अकॉर्डिंग आप चाहें तो ये डिग्री कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करे, ठीक है। और इसके अलावा कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप किसी भी समय इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9958429420 और मेरा ईमेल आईडी है ilegalindian@gmail.com। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे थम्स अप दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें ताकि आगे आने वाला वीडियो जो है आप तक पहुँच जाए। और एक और बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को अपने आसपास के लोगों में शेयर करें। शेयर करने का पैसा नहीं लगता, उनकी जानकारी कुछ बढ़ेगी, उनका लीगल एक्विपमेंट में संतन होगा और मेरा भी हौसला अफजाई होगा। तो चलिए किसी और वीडियो पे मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।